गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सेकंड क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स हमने 3 पढ़े थे, ए एन एंड द, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेंस क्या होता है ना। टेंस मतलब काल, काल मतलब क्या होता है, समय। मतलब जब हमें जिस वाक्य से समय की जानकारी मिलती है कि वो समय वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का है, तो वो क्या कहलाता है, काल कहलाता है। अब क्या है, टेंस 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। अगर हम अब जो तीनों टाइप है, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। अब प्रेजेंट टेंस है, ये तीनों टेंस को 4 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन वी विल स्टडी अबाउट द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जब हम या तो पास्ट के 4 टाइप पढ़े या फ्यूचर के 4 टाइप पढ़े, हमें सब में 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, फिर नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें हमें WH वर्ड का यूज करना है ना। अब जब हम कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है ना, कर्ता क्रिया एंड कर्म। अब क्या है, हर टेंस की कुछ ना कुछ पहचान होती है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें जो भी वाक्य होता है उस वाक्य के अंत में ता ती ते आता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है ना। लेकिन जब हम इसका नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो उसमें डू और डस का यूज किया जाता है। अब हम इसमें जो वर्ब है उसमें अगर हम सिंगुलर नाउन लेते हैं, जैसे ही शी ये, या कोई सिंगुलर पर्सन है या कोई सिंगुलर थिंग है, तो उसमें एस या यस लगता है, एंड अगर कोई प्लूरल है तो उसमें वर्ब में एस या यस नहीं लगता है। जैसे कि हम एक नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं, राम गोज टू स्कूल, हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हम नेगेटिव सेंटेंस में डू एंड डस का यूज करेंगे, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। मतलब जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका गोज का जो एस या ईएस है वो हट जाएगा है ना, और डस लग जाएगा। फिर इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्या राम स्कूल जाता है, तो डस राम गो टू स्कूल। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या बनेगा, वेयर राम गो, राम कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।